गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लेसन फोर देर इज अ जॉब फॉर एवरी वन क्लास सेकेंड लेसन फोर देर इज जॉब फॉर एवरी वन ठीक है ये लेसन का नाम है आई एम हियर नीता जोशी वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर ऑन पेज नंबर फोर्टी एट Page number 48, chapter 4, there is a job for everyone. This is your English book, class 2nd. Chapter 4, there is a job for everyone. We are starting the chapter. Here is the introduction of the chapter. Each member. Of the animal kingdom has a special skill. This interesting story स्टोरी us that is a kingdom there is a role and a job for everyone, big or small. इस एनिमल के राज्य में ये स्टोरी एनिमल्स के बारे में यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें क्या बताया है कि एनिमल्स के राज्य में हर किसी के पास उसकी क्षमता के अनुसार मतलब उसकी वो जितना सक्षम है या जितना कैपेबल है उसके अनुसार उसके पास काम है और कोई भी काम छोटा नहीं होता है और हर एक का रोल और जॉब चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी और स्मॉल और बिग यानी एनिमल छोटा है बड़ा उन सबको उनकी समता के अनुसार काम दिया हुआ है ठीक है तो अब हम आगे चलेंगे नाउ स्टार्ट चैप्टर पेज नंबर फोर्टी एट देखेंगे लायन लाइन द किंग ऑफ जज जंगल वॉज गिविंग आउट जॉब टू ऑल द एनिमल्स जो जंगल का राजा लायन था वो सबको काम दे रहा था चीता वॉज मेड द आर्मी कमांडर चीता को जंगल का सेनापति बनाया गया बिकॉज ही कुड रन फास्टर देन ऑल द अदर एनिमल्स क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सबसे सब एनिमल से ज्यादा फास्ट भागता था एलिफेंट बिकम द प्राइम मिनिस्टर एलिफेंट यानी हाथी को प्रधानमंत्री बनाया गया बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉग एंड वाइस एंड नेवर ने क्योंकि वह बहुत होशियार समझदार ताकतवर और कुछ भी न भूलने वाला जानवर था लायन टोल्ड मंकी हु वेरी गुड एंड हुई ट्री एंड स्विंगिंग थॉट देयर ब्रांचेस यू कैन बी माई मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन लायन ने मंकी को क्या बना दिया संकेत देने वाला मंत्री क्यों क्योंकि वो कहीं पर भी किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता है और किसी भी शाखा यानी पेड़ की डालियों पर लटक सकता है ठीक है एज यू फाइंड अवर थिंक उसने मंकी से क्या कहा कि जंगल में कुछ भी होने से पहले आप हमको बता देना अब पूरे जंगल में सबके पास जॉब थी सिर्फ नहीं थी तो किसके पास थी नहीं थी रेबिट यानी खरगोश कछुआ और डोंकी गधा इन तीन के पास जॉब नहीं थी अब ये लेसन आपका ये वाला पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अब इससे आगे पेज नंबर फोर्टी नाइन में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी तो आपको क्या करना है कि ये जो मैंने आज जितना आपको एक्सप्लेन किया है उसको घर पे बैठ अच्छे से एक बार रीड करना है और एक बात कि सारे बच्चे फ्राइडे और सैटरडे को जब कॉपी चेक होती है तो बहुत कम बच्चे हैं जो कॉपी चेक करवाने के लिए लेकर आते हैं और बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो लेकर आ रहे हैं तो आप सारे बच्चे कॉपी चेक कराने के लिए जरूर आए कॉपी पर कवर करके नाम क्लास सब अच्छे से मेंशन करके और काम कंप्लीट करके ताकि आपको भी पता चले आपको आगे क्या करना है कैसे लिखना है या आपका इनकम्प्लीट वर्क है तो उसको कैसे कंप्लीट करना है तो अब जब मैं नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे को कॉपी चेक करूंगी तो आप लोग कॉपी लेकर चेक करवाने स्कूल जरूर आना और ये चैप्टर आपका हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके